ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों को हटाने का फरमान जारी हुआ। इसके बाद दुकानदारों ने उन्हें कहीं और विस्थापित किए जाने की मांग प्रशासन से की है। दिनेशपुर के दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को खाली करने को कहा। कई जगह दुकानदार रात से ही अपना सामान को खाली करते नजर आए। वहीं सुबह होते ही दिनेशपुर ITI ग्राउंड की दीवार से लगी कुछ स्थायी दुकानों को हटाया गया। इन दुकानदारों को फिर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। व्यापारियों की माने तो उनके प्रतिष्ठान लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से यहाँ हैं, यही उनके गुजर बसर का साधन है। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि अभी अतिक्रमण कब्जा मुक्त को लेकर पूरे नगर में अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो हम तो बहुत साल से आए, इनको किसी का 2 साल हुआ, किसी का 3 साल हुआ, कोरोना के बाद कहाँ जाएगा ये लोग। अरे हमें हटे तो कहाँ जाए हट के, हमें भी तो व्यवस्था दे ये लोग, हम लोगों को तो कोई व्यवस्था दे के फिर हमें हटाए। देखिए शासन का एक मतलब ये जारी हुआ है जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी विभाग चाहे वो कोई भी विभाग हो उनकी जो अपनी संपत्ति है उस पर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है चाहे वो सिंचाई विभाग की हो चाहे PWD की हो चाहे ITI की जितने भी हैं उनमें सब में चाहे हमारी नगर पंचायत की हो चाहे किसी में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसको उस पर कब्जा कर रखा है तो उन सबको कब्जा मुक्त करना है, अतिक्रमण मुक्त करना है। इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हमने अपने नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को अनाउंस भी करा दिया है और मतलब सीधे जाके उनसे बोला भी है कि आप लोग अपना ये अतिक्रमण जो भी आपने कर रखा पीछे कर लो। इसके अलावा अभी हम लोग उनको नोटिस भी देने वाले हैं, इसके बाद हम उन्हें हटा देंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।